जिस शब्द के अंत में त्र हो, जिस शब्द के अंत में ज हो, जिस शब्द के अंत में त और व हो, आधा त और व, जिस शब्द के अंत में त, ठीक है, यहाँ पर त्र बोला त्र, ठीक है, जिस शब्द के अंत में त और जिस शब्द के अंत में ख हो, तो वह क्या होगा? पुलिंग शब्द होगा। अब आप लोग बोलोगे कि सर कुछ उदाहरण बताइए, कुछ प्रूफ दीजिए, तभी तो मानेंगे कि यह त के लास्ट में त जहां पर हो वह क्या होता है? पुलिंग शब्द होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू, आज के इस वीडियो में आप लोग को लिंग बताऊंगा। तो दोस्तों, लिंग होता क्या है उसको सबसे पहले बता दूं। संज्ञा के उस भाग को कहा जाता है जहां पर वस्तु या व्यक्ति के नर या मादा होने का बोध हो, उसको व्याकरण में लिंग कहा जाता है। दोस्तों, लिंग तीन प्रकार का होता है, पुलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो दोस्तों, आप लोग को बहुत अच्छा अच्छा ट्रिक बताने वाला हूं कि आप लोग देखते ही पहचान जाओगे कि स्त्रीलिंग है कि पुलिंग शब्द है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि जिस शब्द पुलिंग शब्द को याद करने का ट्रिक बता रहा हूं, पुलिंग शब्द को पहचानने का, कुछ इंपॉर्टेंट पुलिंग शब्द मैं इसमें नोट करा हूं। देखिए, हम लोग को किसी भी शब्द को जानना है कि यह पुलिंग शब्द है कि स्त्रीलिंग शब्द है, तो उसमें विशेषण शब्द, क्रिया शब्द और सर्वनाम शब्द अगर जोड़ दें तो दोस्तों उसको पता कर सकते हैं कि यह स्त्रीलिंग है कि पुलिंग शब्द। देखिए, मैं बताता हूं, यहां पर मैं विशेषण शब्द जोड़ रहा हूं, विशेषण, विशेषण, विशेषण। अगर किसी भी संज्ञा में विशेषण जोड़ दिया जाए तो आप पता चल सकता है कि यह स्त्रीलिंग है कि पुलिंग शब्द है। जैसे मकान, 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 अगर मैं मकान को बोलूं कि मकान बहुत बड़ा है, तो मकान बड़ा होता है हमेशा, मकान क्या होता है? बड़ा होता है, ना कि बड़ी, ठीक है। मकान कोई बोलता है क्या कि बड़ी है, मकान बड़ी है, ऐसे कोई बोलता है? नहीं ना। तो देखिए, मकान क्या होता है? बड़ा होता है हमेशा, मतलब क्या होगा? पुलिंग शब्द होगा। इसी प्रकार से पुस्तक, यह पुस्तक बहुत बड़ी है, ठीक है, यह पुस्तक बहुत बड़ी है बोला जाता है। आप लोग कभी बोलते हो क्या कि यह पुस्तक बहुत बड़ा है? नहीं ना। तो उसको स्त्रीलिंग मारिए, कोई दिक्कत नहीं है, स्त्रीलिंग है। पुस्तक क्या है? स्त्रीलिंग है, ठीक है। ऐसी अगर कमरा, कमरा को कभी बोले हो क्या कभी कि कमरा बहुत बड़ी है? कमरा नहीं ना। तो कमरा क्या होता है? कमरा हमेशा बड़ा होता है, मतलब कमरा हमेशा पुलिंग शब्द होता है, ठीक है। अब देखिए, सर्वनाम शब्द अगर हम लोग जोड़ें, संज्ञा में किसी भी संज्ञा में सर्वनाम जोड़ें, जैसे पुस्तक को ही ले लेते हैं दोबारा से, ठीक है, मेरी पुस्तक अच्छी है, ऐसे बोला जाता है। कभी बोले हो क्या कि मेरा पुस्तक अच्छा है? नहीं ना। मेरी पुस्तक अच्छी है, ये सही है, मेरी पुस्तक अच्छी है बोला जाता है, ठीक है। मेरी पुस्तक अच्छी है, मतलब पुस्तक क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे घर, मेरा घर बड़ा है, कोई बोलता है क्या कि मेरा घर, मेरी घर बड़ी है, मेरी घर बड़ी है, ऐसे नहीं ना बोला जाता, ठीक है। तो देखिए, मेरी घर, मेरा घर बड़ा है, ठीक है, मेरा घर बड़ा है, तो घर क्या होता है? पुलिंग शब्द होता है, जबकि पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द होता है। कलम, कलम, ठीक है, उसकी कलम खो गई बोला जाता है। कभी बोलते हो कि उसका कलम खो गया? नहीं ना। उसका कलम खो गया कोई नहीं बोलता, उसकी कलम खो गई बोला जाता है, उसकी कलम खो गई। ऐसे संज्ञा में ना विशेषण शब्द लगा दोगे तो पता चल जाता है। एक ट्रिक तो ये है। अब देखिए, मैं बताता हूँ सबसे अच्छा ट्रिक, सबसे अच्छा ट्रिक अभी बाकी है, इससे तो पूरा क्लियर पता कर ही लोगे कि यह स्त्रीलिंग शब्द है कि पुलिंग शब्द है। देखिए, स्त्रीलिंग शब्द और पुलिंग शब्द को पहचानने का आज के बाद बहुत सरल हो जाएगा कि यह स्त्रीलिंग है कि पुलिंग है, आप बिल्कुल देखते ही पहचान जाओगे। जिस शब्द के अंत में त्र हो, जिस शब्द के अंत में ज हो, जिस शब्द के अंत में त और व हो, आधा त और व, जिस शब्द के अंत में त, ठीक है, यहां पर त्र बोला त्र, ठीक है, जिस शब्द के अंत में त और जिस शब्द के अंत में ख हो, तो वह क्या होगा? पुलिंग शब्द होगा। बस इसको याद कर लीजिए, त्र ज त्व और त और ख, त्र ज त्व
त और ख अंत में हो तो वो सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि सर कुछ उदाहरण बताइए, कुछ प्रूफ दीजिए, तभी तो मानेंगे कि यह त के लास्ट में त जहाँ पर हो वह क्या होता है, पुल्लिंग शब्द होता है। तो देखिए मैं उदाहरण देने ही यहाँ पर आया हूँ, जहाँ पर त्र हो लास्ट में क्या हो, त्र हो तो अभी क्या होते हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे देखिए चित्र, चित्र शब्द क्या है, पुल्लिंग शब्द है, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में त्र है, क्योंकि मैं बोला यहाँ पर कि त्र जिसमें लास्ट में होता है वो सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं। तो चित्र क्या है, पुल्लिंग शब्द है। उसी प्रकार से क्षेत्र, क्षेत्र क्या है, क्षेत्र में भी त्र है लास्ट में, तो ये क्या होगा, मारिए पुल्लिंग शब्द, कोई कभी गलती नहीं होगा, क्या होगा, क्षेत्र पुल्लिंग शब्द होगा क्योंकि त्र है लास्ट में। ठीक है, पात्र, पात्र क्या है, पात्र में त्र है लास्ट में, तो यह क्या होगा, पुल्लिंग शब्द होगा। ठीक, अगला देखिए चरित्र, चरित्र, चरित्र लास्ट में त्र है, चरित्र में लास्ट में त्र है, तो क्या होगा, पुल्लिंग शब्द होगा। ठीक है, उसी प्रकार से सशस्त्र, सशस्त्र, सशस्त्र में लास्ट में क्या है, त्र है, तो वह क्या होगा, पुल्लिंग शब्द होगा। मैं क्या बोला अगला, कि जिसमें लास्ट में ज है, ज हो वो क्या होते हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं। जिस शब्द के लास्ट में ज होता है वह भी शब्द पुल्लिंग होता है। तो देखिए जलज, 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 जलज में लिखा, तो जलज के लास्ट में पुल ये ज है ना, तो यह क्या होगा, पुल्लिंग शब्द होगा। वैसी देखिए स्वेदज, सवे दज, स्वेदज, स्वेदज में लास्ट में ज है ना, तो यह क्या होगा, पुल्लिंग शब्द होगा। उसी प्रकार से पिंडज, 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 पिंडज में क्या है, लास्ट में ज है, पिंडज में लास्ट में ज है, तो यह क्या होगा, पुल्लिंग शब्द होगा। उसी प्रकार से सरोज, सरोज, सरोज में लास्ट में क्या है, ज है, सरोज में लास्ट में ज है, तो वह क्या होगा, पुल्लिंग शब्द होगा। मैं क्या बोला कि लास्ट में अगला त हो, त हो, त और वह, आधा त और वह हो लास्ट में, तो यह क्या होता है, पुल्लिंग शब्द होता है। जैसे देखिए सतीत्व, तव, अस्तित्व, सतीत्व, सतीत्व, अस्तित्व, ठीक है, उसमें त वह है ना, तो मारिए इसको पुल्लिंग। ठीक है, क्या है, पुल्लिंग है। बहुत्व, 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 बहुत्व है लास्ट में त वह, बहुत्व में लास्ट में क्या है, त वह, तो क्या होता है, पुल्लिंग शब्द होता है। लास्ट में वह हो, यहाँ पर मैं बताया नहीं था, लास्ट में वह हो वो भी क्या होता है, पुल्लिंग शब्द है। जैसे मैं बताता हूँ उदाहरण, लाघव, 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 लाघव में वह है लास्ट में, तो लाघव क्या होगा, पुल्लिंग शब्द होगा। गौरव, गौरव में वह है लास्ट में, गौरव में लास्ट में वह है, तो वह क्या होगा, पुल्लिंग शब्द होगा। उसी प्रकार से अगला देखिए, लास्ट में त हो, लास्ट में त हो तो वह क्या होता है, पुल्लिंग शब्द होता है। लास्ट में त हो तो वह क्या होता है, पुल्लिंग शब्द होता है। जैसे चरित, 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 चरित में क्या है, लास्ट में त है, चरित में क्या है, लास्ट में त है, तो वह क्या होगा, पुल्लिंग शब्द होगा। उसी प्रकार से गणित, 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 गणित में लास्ट में क्या है, त है। मैं बोला कि जहाँ पर भी लास्ट में त हो वो क्या होते हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं। ठीक है, तो त है लास्ट में ना, तो वह क्या होगा, पुल्लिंग शब्द होगा, गणित में त है। इसी है फलित, फलित, फलित में लास्ट में त है, फलित में लास्ट में त दिखाई दे रहा है ना, तो वह क्या होगा, पुल्लिंग शब्द होगा। उसी प्रकार से और देखिए उदाहरण, मत, गीत, मत, मत में त है, गीत में त है, गीत में लास्ट में त है, पुल्लिंग शब्द होगा। स्वागत, स्वागत में लास्ट में त है ना, तो वह क्या होगा, पुल्लिंग शब्द होगा। इसी प्रकार से दोस्तों मैं क्या बोला कि लास्ट में ख हो, लास्ट में ख हो वो सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं। देखिए नख, नख, नाखून वाला नख,
नख, नख में लास्ट में ख है तो वह क्या होगा, पुल्लिंग शब्द होगा। उसी प्रकार से मुख, मुख में लास्ट में क्या है, पुल्लिंग है, लास्ट में पुल्लिंग नहीं लास्ट में ख है तो वह क्या होगा, पुल्लिंग शब्द होगा। लास्ट में ख है तो वह पुल्लिंग शब्द होगा मुख में लास्ट में। उसी प्रकार से सुख, सुख, सुख में लास्ट में ख है, दुख, दुख में लास्ट में ख है तो वह क्या होगा, पुल्लिंग होगा। और बताता हूँ, लेख, लेख में लास्ट में ख है तो वह पुल्लिंग शब्द होगा। मख, मख में लास्ट में पुल्लिंग ख है तो वह पुल्लिंग शब्द होगा। उसी प्रकार से देखिए शंख, शंख में लास्ट में ख है तो वह पुल्लिंग शब्द होगा। अगला देखिए दोस्तों, स्त्रीलिंग पहचानने का नियम, स्त्रीलिंग पहचानने का ट्रिक आप लोग को बताता हूँ। जहाँ पर छोटा ती हो, जहाँ जिस शब्द के लास्ट में छोटा ती हो, छोटा नी हो, छोटा नी और छोटा ती हो और छोटा हो, ठीक है, क्या क्या याद रखना है आपको, छोटा ती, छोटा नी और ता, छोटा ती, छोटा नी और ता जिस शब्द के लास्ट में है वह क्या होगा, स्त्रीलिंग शब्द होगा। ठीक है, मैं देखिए ती को बताता हूँ, पहले ती को बताता हूँ, छोटा ती होगा वो सभी क्या होंगे, स्त्रीलिंग शब्द होंगे। जैसे मैं बोला गीत, गीत में लास्ट में क्या है, ती है, छोटा ती है तो वह क्या होगा, स्त्रीलिंग शब्द होगा। उसी प्रकार से मित, मित, मित में लास्ट में क्या है, छोटा ती है तो वह क्या होगा, स्त्रीलिंग शब्द होगा। रीति, रीति, रीति में छोटा ती है लास्ट में तो वह क्या होगा, स्त्रीलिंग शब्द होगा। देखिए हानि, हानि में छोटा नी है, हानि न, छोटा नी में बोला सेकंड नंबर में छोटा नी होगा तो वो सभी क्या होंगे, छोटा नी वाले सभी क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। तो हानि में लिखा हूँ यहाँ पर, तो हानि में लास्ट में छोटा नी है तो वह क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। उसी प्रकार से गलानी, गलानी, हानि, गलानी, गलानी में भी छोटा नी है लास्ट में तो वह क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग हो जाता है। मैं अगला बोला कि जहाँ पर ता हो, जहाँ पर ता हो वो सभी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। ता का उदाहरण देखिए, जहाँ पर ता हो, जहाँ पर ता हो वो सभी स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे नम्रता, नम्रता, नम्रता में ता है लास्ट में तो वह क्या होता है, स्त्रीलिंग शब्द होता है। लघुता, लघुता में लास्ट में क्या है, ता है तो वह क्या होगा, स्त्रीलिंग शब्द होगा। उसी प्रकार से ये दोस्तों सुंदरता, सुंदरता, सुंदरता में लास्ट में ता है तो वह क्या होगा, स्त्रीलिंग शब्द होगा। उसी प्रकार से प्रभुता, प्रभुता, प्रभुता में भी लास्ट में त है तो वह क्या होता है, स्त्रीलिंग शब्द होता है। जड़ता, जड़ता में भी लास्ट में त है वह क्या होगा, स्त्रीलिंग शब्द होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, एक और बार मैं रिपीट कर दूं कि जिसके लास्ट में छोटा ती, छोटा नी और ता हो, छोटा नी, छोटा ती और ता हो वो सभी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। और जिस शब्द के लास्ट में त्र हो, ज हो, त व हो, त हो और त हो और ख हो वो सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को यह वीडियो समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।